सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, कर्नाटक हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर करने की गुहार, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लगाई अर्जी। पहले चरण की वोटिंग के बाद सपा ने किया ट्वीट, कहा सपा आरएलडी गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त मिली, सपा पहले चरण में भाजपा का सूखड़ा साफ, प्रदेशवासी मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद। गुरुग्राम अपार्टमेंट की छत गिरने से दो मजदूरों की मौत, मलबे में कई अन्य लोगों के दबाव होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने मतदान किया, उन्होंने कहा कि पहले की सरकार के कार्यकाल और बीजेपी के कार्यकाल में फर्क साफ। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लखीमपुर हिंसा मामले में मिली जमानत। आशीष मिश्रा की जमानत पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि किसानों का नरसंहार करने वालों के पिता को पीएम ने बर्खास्त नहीं किया। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में किया बदलाव, 28 फरवरी और 5 मार्च को होगी वोटिंग। बांदा जिले में बंद डॉन मुख्तार अंसारी ने खरीदा नामांकन पत्र, मऊ सदर सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामानुजाचार्य सहस्त्रावधि समारोह में लिया हिस्सा, बोले देश की संस्कृति विविधताओं से भरी। रेसलर खली बीजेपी में हुए शामिल, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में ली पार्टी की सदस्यता, इस दौरान खली ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने अच्छा लगा।